आज मैं आपके साथ इतनी प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो पूरे हिंदुस्तान के संतों के लिए भी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं कहानी शुरू होती है सर मेरठ से, और मेरठ में अपने यहाँ महात्मा लटूरी सिंह जी हुए। वो एक जमाने में मेरठ के बहुत बड़े जमींदार थे। अपने यहाँ हिंदुस्तान में चौमासे में कोई काम नहीं होता है, तो चौमासे में पहले गाँव में क्या होता था, नाटक मंडलियां बुलाई जाती थी। लटूरी सिंह जी को खुद को अभिनय करने का बड़ा शौक था, तो उस जमाने में उन्होंने एक पूरे नाटक मंडली को बुलाया और गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ की, राजा भर्तृहरि की कहानी सुना। तो उस कहानी को जब चालू किया गया तो खुद राजा भर्तृहरि का रोल महात्मा लटूरी सिंह जी ने किया, और 8 दिन तक इतना शानदार अभिनय किया कि लोगों का दिल खुश हो गया कि यार क्या महात्मा है। और 8वें दिन वो क्या हुआ कि 9वें दिन वो अपने घर पे खाना खा रहे, खाना खाते खाते उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आज आप मत आना। क्या बोला? आज आप मताना। तो उन्होंने बोला मैं नहीं आऊं कि बहू है और बेटियां। बोले वो सब आएगी चलेगा, पर आप मत आना। पर स्त्री स्वभाव थोड़ा चलता है ना कि यार सबको तो बुला लिया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। ये रामायण काल से चला आ रहा है सर, आज का नहीं है। तो अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लटूरी सिंह जी चले गए, बच्चे चले गए, तो माजिन देखा अब क्या करे, तो उन्होंने कुंडी लगाई। बोले सामने तो मैं नहीं बैठती हूँ, तो सामने एक छत थी भौजाई की, उनके भाभी की, तो वहां ऊपर जाके बैठ गई। भाई वहां देखूंगी तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अब इधर ये चल रहा है, और राजा भर्तृहरि का होता है कि राजा भर्तृहरि अपना पूरा का पूरा राज्य छोड़ के योगी का वेश धारण करते हैं। तब वो एक अपने एक डायलॉग बोलते हैं कि भगवान शंकर को साक्षी मानकर, ये अग्नि और जल को साक्षी मानकर, मैं ये पूरी राज्य संपदा छोड़ता हूं, मेरे बेटे बहुओं को छोड़ता हूं, मेरे पति पत्नी को छोड़ता हूं। तब वो वहां से भुजाई बोली कि लटूरी तेरी लुगाई इधर बैठी है। तो अपने जैसे हंसे ना तो वैसे हंस गए। तो वो लटूरी सिंह जी ने उस समय तो कुछ बोला नहीं, वो पूरा नाटक कंप्लीट हो गया, सबने वस्त्र बदले, पर लटूरी सिंह जी ने अपने वस्त्र नहीं बदले। लटूरी सिंह जी वही वस्त्र में अपना जो भिक्षा पात्र लेके घर के बाहर गए और बोले भिक्षाम देई माँ। उनकी पत्नी आई, बोले आप वस्त्र चेंज कीजिए अंदर चले। बोले मैंने आपको बोला था कि आप मत आना, जिस समय मैं अभिनय करता हूं उस समय मेरे शरीर में शंकर रहते, मां शंकर रहते, तो मेरे मुंह से अगर सत्य निकल गया कि तुम मेरी माँ हो तो ये जगत की जितनी औरतें सब मेरी। और आप सुन के ताजुब करेंगे, परिवार वालों ने खूब मनाया, पर इन्होंने बोला अभी। और उसके बाद महात्मा लटूरी सिंह जी संन्यास्त हो गए, और संन्यास्त होने के बाद सुनिए साधु का उसके बाद का जीवन सुनिए। आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शहरानपुर, ये पूरा इलाका में साहब उन्होंने 40 कॉलेज स्थापित किए। कितने? 40 कॉलेज। कितने? इंटर कॉलेज, IIT, आप डिग्री कॉलेज, ये जितने भी है ना, ये साहब ये पूरी मानवता को इतना बड़ा लेसन देके गए। वो पूरे आर्य समाज के बहुत बड़े प्रवाचक हुए, और वो है ना पूरे हिंदुस्तान के साधु संतों के लिए एक मिसाल बन गए कि अगर साधु संतों में इतना पावर है कि वो अगर आज चाहे ना तो हिंदुस्तान में शिक्षा मंदिर और चिकित्सा मंदिरों की कोई कमी नहीं रह सकती। तो वो अगर चाहे ना तो ये साधु संतों के लिए सब वो ऐसी मिसाल पेश करके गए हैं कि आप भी सर आने वाले समय में इस देश की जनता के लिए शिक्षा और चिकित्सा मंदिर बनवाइए, वही हमारे देश के लिए जिएगी। मौलो महात्मा लटूरी सिंह जी की।